अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक स्पर्म सेल को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि स्पर्म सेल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं और उन स्ट्रक्चर्स का रोल क्या है। स्पर्म सेल मेल गैमीट सेल होता है। आप जानते हैं दो टाइप के गैमीट सेल्स होते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट को हम एग कहते हैं और मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं। स्पर्म का सेकंड नाम स्पर्मेटोजोआ भी है। और ये गैमीट सेल है तो गैमीट सेल हम जानते हैं हमेशा हैप्लॉयड फॉर्म में होता है। अगर हम ह्यूमन का केस देखते हैं तो ह्यूमन के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, और ये डिप्लॉयड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि हैप्लॉयड फॉर्म के अंदर यानी एन फॉर्म के अंदर टोटल कितने रह जाएंगे, 23, यानी 46 को आप हाफ कर देंगे तो 23 क्रोमोसोम स्पर्म सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं हैप्लॉयड इन नेचर। क्या होता है, स्पर्म हैप्लॉयड इन नेचर होता है। ओके, स्पर्म की अगर हम शेप की बात करें तो इसका एक राउंड सा ओवल टाइप हेड होता है और फिर एक नेक रीजन होता है या मिड पीस होता है, मिड पीस रीजन होता है, और फिर एक टेल होती है। सो एक टैडपोल की शेप का एक सेल होता है ह्यूमन के अंदर, और ये स्मॉलेस्ट सेल भी कहलाता है ह्यूमन के अंदर। ओके, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी स्ट्रक्चर डेफिनेटली आउटर वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन होगी। ये सेल सरफेस मेम्ब्रेन है जिसका काम क्या होता है, हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अगर हम हेड की तरफ चलें, ये आपको जो रीजन नज़र आ रहा है राउंड सा, ये हेड है। तो हेड के अंदर आपको दो स्ट्रक्चर्स बड़ी वाजें नज़र आएंगी। एक स्ट्रक्चर जो टिप है, ये रेड कलर में जो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है टिप पर प्रेजेंट है, इसे एक्रोसोम कहा जाता है। एक्रो आप जानते होंगे, एक्रोसेंट्रिक, एक्रो वर्ड यूज़ होता है जो बिल्कुल एंड पर कोई चीज़ प्रेजेंट हो। तो स्पर्म सेल के जो एंड पर एक बॉडी प्रेजेंट है उसे एक्रोसोम कहा जाता है। सो ये स्पेशल टाइप का लाइसोसोम है। सेल के अंदर लाइसोसोम होता है ना, एक ऑर्गेनली है, तो स्पर्म के अंदर भी लाइसोसोम प्रेजेंट है, बस बट उस लाइसोसोम को एक्रोसोम कहा जाता है। ये थोड़ा सा मॉडिफाइड टाइप का है, गोल्जी बॉडी इस एक्रोसोम को बनाती हैं, ठीक है। लाइसोसोम टाइप ये एक बॉडी होती है। डेफिनेटली लाइसोसोम टाइप ये बॉडी है तो इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि डिग्रेडेशन का काम करेंगे। सो यस, एक्रोसोम का ही काम होता है कि इस स्पर्म सेल को एंट्री करवाना इनसाइड द एग। फीमेल का जो एग होता है उसके अंदर ये स्पर्म सेल इस एक्रोसोम में से कुछ एंजाइम्स रिलीज करके पेनिट्रेट होता है, इंट्री करता है, और फिर ये जो न्यूक्लियस है वो एंटर कर जाता है एग सेल के अंदर और मैच हो जाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो डिटेल्स हम आगे वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। सो ये आ गई एक्रोसोम की स्ट्रक्चर। और फिर हेड के अंदर डेफिनेटली एक वाजे रीजन है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये न्यूक्लियस है, ये हैप्लॉयड गैमीट सेल है, तो हैप्लॉयड के अंदर कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। सो इस रीजन में ये न्यूक्लियस है और इस रीजन में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। 23 यहां से आएंगे, 23 फीमेल का जो एग सेल है वहां से आएंगे, दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, जो स्पर्म है उसका साइटोप्लाज्म बड़ा छोटा सा होता है, ये आप देख पा रहे हैं, बहुत शॉर्ट या स्मॉल सा रीजन है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि इस स्पर्म सेल से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा होता। फीमेल का जो एग सेल है उसका साइटोप्लाज्म बड़ा होता है, यहाँ से जस्ट न्यूक्लियस ने ट्रांसमिट होना होता है और वहाँ पर मैचिंग होनी होती है, इसलिए स्पर्म सेल को इतने साइटोप्लाज्म की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अगर हम देखें तो ये एक नेक रीजन है, यानी एक गर्दन वाला थोड़ा सा रीजन है, जहाँ पर आपको कुछ सेंट्रियोल्स भी नज़र आएंगे। सेंट्रियोल्स डेफिनेटली इन्हीं सेंट्रियोल की मदद से फ्लैजेलम जो है वो बिल्ट होती है, और साथ साथ ये सेंट्रियोल जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये आगे ट्रांसफ़र भी होते हैं, और ये सेंट्रियोल फिर जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रहा होता है वहाँ पर हेल्पफुल होते हैं, मल्टीप्लाई होकर क्रोमोसोम को सेपरेट करवाने में हेल्प करते हैं। ओके, ये तो आ गई हेड रीजन की बात, जहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स को हमने देखा और उनके फंक्शन को भी स्टडी किया। हेड रीजन के बाद स्पर्म सेल का एक मिड पीस रीजन भी होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, एलोंगेटेड सा एक मिड पीस रीजन है, इसे मिड पीस कहा जाता है, और मिड पीस के अंदर आपको मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया ही नज़र आएंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, पावर हाउस ऑफ ये सेल होता है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यही है कि ये स्पर्म सेल को एनर्जी प्रोवाइड करे। और स्पर्म सेल वाहिद बॉडी के अंदर सेल है जो कि मोटाइल इन नेचर होता है, जो मूव कर सकता है।
अब डेफिनेटली ये मूव कर सकता है, तो इसकी एक टेल होगी जिसकी वजह से ये मूव करेगा। और बैक्टीरिया अगर आपको याद हो तो बैक्टीरिया फ्लैजेलम की वजह से मूव करता है, तो ह्यूमन का जो स्पर्म सेल है उसकी भी एक टेल होती है जिसे फ्लैजेलम कहा जाता है, और ये टेल रीजन है इसे फ्लैजेलम कहा जाता है, और इसी की वजह से ये मूव करता है। फ्लैजेलम प्रोपेल करती है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाता है। बट इस फ्लैजेलम को मूव करवाने में और बाकी इसकी जितनी भी मेटाबॉलिज्म है उसको परफॉर्म करवाने में ये माइटोकॉन्ड्रियाज हेल्प करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करते हैं और ये मूवमेंट और बाकी जो मैकेनिज्म हैं वो होने होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कहाँ से लेते हैं? जब ये स्पर्म रिलीज होते हैं तो हम जानते हैं टेस्टिस और फिर या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जब हमने स्टडी किया था कि सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यहाँ से कुछ न्यूट्रिशन आ रही होती है जिसे ये स्पर्म सेल यूटिलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी उन न्यूट्रिएंट्स को जो हैं वो ब्रेक करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है और उसे यूटिलाइज करते हैं। सो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था अबाउट स्पर्म सेल, होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी करेंगे, यानी स्पर्म्स, ये जो स्पर्म्स हैं ये बनते कैसे हैं, कैसे इनमें मियोसिस होती है और कैसे ये फाइनली यहाँ तक डेवलप होते हैं मोटाइल होने तक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।